Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 30th October 2021. Subject English, Class 3, Book Term 2, Chapter 1, Robbie's Railroad. हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग इस चैप्टर का सेकेंड पेज को पढ़ेंगे, ठीक है? Grandpa Ray noticed that little Robbie looked terrible upset every time he heard the whistle. Grandpa Ray loved his grandson very much and did not like to see him unhappy. Grandpa Ray thought about what he could do to make Robbie happy. Then he had an idea. He bought some wood and collected all his tools. Then he called Robbie out to the orchard in front of the house and they began to work. Grandpa and Robbie built a wooden railway track all around the orchard. Then they built a railway carriage, a platform on wheels, with seats for three passengers. The carriage would move along the track just like a real train. Robbie could stop and start it by pressing or letting go of the brake. Okay, तो देखिए रॉबीज रेलवे में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि रॉबी को ट्रेन्स बहुत पसंद थे. उसे वो अपना घर से आते जाते देखना उसे बहुत अच्छा लगता था. तो वो अपने ग्रैंड समर हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए कहाँ गए थे? ग्रैंडपा के पास गए था. तो ग्रैंडपा ने क्या नोटिस किया कि रॉबी थोड़ा अपसेट नज़र आ रहा था. हमेशा जब भी वो ट्रेन का विसल सुनता है वो बहुत दुखी हो जाता है. तो ग्रैंडपा अपना ग्रैंडसन को बहुत प्यार करता था और उसे रॉबी का दुखी होना और हमेशा सैड रहना उसे अच्छा नहीं लगता था. तो ग्रैंडपा ने सोचा क्यों ना मैं रॉबी को खुशी करूँ, उसे खुश रखूँ. फिर उन्हें एक आइडिया आया. उन्होंने कुछ लकड़ी और कुछ टूल्स कलेक्ट किए. उसके बाद उन्होंने रॉबी को बुलाया और उनका जो ऑर्चर्ड है, उनका जो गार्डन है, घर के आगे में उनका जो गार्डन था वहाँ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. ग्रैंडपा और रॉबी दोनों मिलके वुडन ट्रैक अपने ऑर्चर्ड के चारों तरफ बनाए. फिर उन्होंने रेलवे कैरेज भी बनाए और प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें व्हील्स है और उसमें तीन सीट्स पैसेंजर के लिए तीन सीट्स भी बना दिए. फिर जो कैरिज है वो ट्रैक में आना जाना कर सकता है. इस प्रकार से उन्होंने रॉबी के लिए बनाया. फिर कुछ ऐसा मतलब एकदम रियल ट्रेन जैसा बनाया कि रॉबी उस कैरिज को रोक भी सकता है या फिर उसे चला भी सकता है. बस उसका जो ब्रेक है उसे प्रेस करने से वो रुक जाता है. अगर उसे छोड़ देते हैं तो वो चलते रहता है एज अ रेलवे कैरेज. तो इसी प्रकार से उसका जो ग्रैंडपा है ग्रैंडपा रे उसे अपना ग्रैंडसन रॉबी को नाखुश देखते हुए अनहैप्पी मतलब सैड देखते हुए उन्हें ख़राब लगता है और वो रॉबी के लिए एक छोटा सा अपने घर के ही गार्डन में ऑर्चर्ड में उन्होंने उसके लिए रेलवे ट्रैक बना देते हैं और रेलवे कैरिज भी. ठीक है, तो हम चाहते हैं आप इस चैप्टर का सेकेंड पेज को पढ़ें और पढ़ के आप समझने की कोशिश करें. थैंक यू.